दोस्तों, त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे हैं भंगेड़ी महावतपुर सीट पर और हमारे साथ मौजूद हैं पूजा नेगी जी, जो BDC मेंबर पद के लिए यहां से उम्मीदवार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या क्या इनके वायदे रहेंगे और क्या क्या ये क्षेत्र के लिए करना चाहती है जानेंगे। आपका स्वागत है रुड़की। अब मैं क्या कहेंगी? मैं पूजा नेगी, दुर्गा कॉलोनी जलालपुर से BDC पद की उम्मीदवार। पहले तो मैं अपने सभी कॉलोनी वासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हमें अपनी कॉलोनी के अंदर ये सीट लानी है तो हमें एक मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। कैंडिडेट बहुत सारे खड़े हैं, लेकिन वो आप वोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करते हैं। इसलिए आप लोग क्या अपने अपने जो एक सेंस होता है उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेके, जो आपको कैंडिडेट लगता है कि हाँ ये डिज़र्विंग है या ये सक्षम है कुछ करने में, तो आप उसको कीजिए। ना कि आप सबको खुश करने के लिए कि आप अपनी एक वोट इस साइड दें, अपनी एक सबको खुश करने आप अपने वोट्स को डिवाइड ना करें। तो आपको जो लगता है कि आप कैंडिडेट डिजर्विंग है, आप उसको वोट दें, वो भले चाहे हम हो चाहे कोई और हो। लेकिन क्या कह रहेंगे चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो यही कि जो कॉलोनी में हमारी एक तो सबसे बड़ा इशू रहा है हमेशा रोड का, वो हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। अब कॉलोनी के अंदर फिर भी थोड़ा PWD ने किया है, बट अगर एक एंट्रेंस की बात हम करें, वहां पे आज भी रोड का सबसे बड़ा इशू है। वो रोड आज तक कभी क्लियर हुई ही नहीं। दूसरी चीज, वहां पे लाइट, रात की टाइम हम वहां से बिल्कुल आ जा नहीं सकते, ये तो सबको पता है। लेडीज हम देख सकते हैं, अगर हम रात को वहां से रहे तो वहां से बिल्कुल नहीं ट्रैवल कर सकते, एक सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी चीज, ये रोड का प्रॉब्लम जो है इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा हमें। मैं देखता हूं जब भी मैं यहां भंगेड़ी में आता हूं तो कुछ मुद्दे चलते रहते हैं। अभी नाले का मुद्दा हाल ही में चल रहा था, जल भराव का मुद्दा भी यहां पर बहुत जोरों शोरों चल रहा था, और एक रास्ते का मुद्दा यहां पर सबसे मेन रास्ते का मुद्दा है, उसको लेकर क्या? देखिए, रास्ते को लेकर कॉलोनी वासी हमेशा क्या है, एक प्रदर्शन पर रहते हैं कि हमें क्या रास्ता दो। अब वही आर्मी लोगों के बीच हमेशा इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। तो एक अब जब कॉलोनी है तो उसको वे तो आपको देना ही पड़ेगा, तो उस चीज़ को, इस मैटर को भी सॉर्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी अगर हमें जिताया जाए चुनाव में, कोई पद हमें प्रोवाइड किया जाएगा तो। जी, आज जो सिंबल है वो भी आवंटित हो चुके हैं, आप क्या कहेंगे, क्या सिंबल है आपका और जो आपकी क्षेत्र है उन क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हमें आज जो चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है वो हमारा कमल कटहल का है, जो कि क्या है BDC पद के लिए हमें अलॉट हुआ है जलालपुर की सीट के लिए। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि 4 नंबर का जो हमारा चुनाव चिन्ह है उसको ही आप क्या करें, हमें चिन्हित करके हमें विजयी बनाएं। और दूसरी चीज़ है, कॉलोनी वासियों को सब अपनी मेजॉरिटी दिखाओ और अपनी मेजॉरिटी से किसी एक को विजयी बनाओ, बस मैं। अगर आपको लगता है कि पूजा नेगी जी यहाँ पर विकास कर सकती हैं तो वोट जरूर करिएगा, वोट आपका है, आपको करना है। और हम यहाँ पर जो जनता है उनसे ही पूछेंगे कि आखिरकार जैसे पूजा नेगी जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनको लेकर क्या कहेंगी और क्या क्या समस्याएँ प्रमुख हैं, आप क्या कहेंगी? बस हम इनका सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी लेडीज हैं और इनके साथ संदीप नेगी जी हैं, इनके जो हस्बैंड हैं। और आगे अभी क्या बताएं हम, जो अगर जनता ने इनको जिता दिया, आगे पकड़ेंगे, आगे देखेंगे ये क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम इनको कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम मेरा आशीर्वाद सब इन दोनों के सिर पर है और मेरे जैसी बहनों का सबका है। मैं बहनों की तरफ से भी यही कहना चाहती हूँ कि इनको भारी बहुमतों से जिता करके जनता के बीच लाओ, तब जा करके हम आगे कहेंगे। आगे हम क्या कर सकते हैं? क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? समस्या है, रोडों की है, पोलों की है, लाइटों की है, नालियों की है, निकासी की है, क्या नहीं समस्या है। लेकिन हम तब कहेंगे जब हमारी बेटी बंद करके आ जाएगी, तभी तो हम कुछ कह सकते हैं। पहले जो BDC मेंबर यहाँ से बने हैं, जिला पंचायत सदस्य बने, उन्होंने कार्य नहीं किया, वो एक दिन देखने नहीं आए, एक दिन भी हमारी कॉलोनी में देखने या मुझे मिलने या किसी और बहन को मिले होंगे, मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन नहीं आए। मैं वार्ड मेंबर 8 नंबर से बोल रही हूँ, मैं वार्ड मेंबर भी थी, ना कोई नहीं आता है। लेकिन हम जब पहले इनको जिताएंगे तभी तो इनसे फल पाएंगे, हम जब जिताएंगे नहीं तो फल कहाँ से पाएंगे। जनता को एक होकर के इनको भारी बहुमतों से जिताना पड़ेगा, तब जाके हम इनको आगे कुछ कहेंगे। पूजा नेगी जी के समर्थन में यहाँ पर बहुत सी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। सती हूँ मैं शकुंतला, आंदोलनकारी शकुंतला सती बोल रही हूँ। मैंने ही समर्थन दिया है लड़की को, ये लड़के को मैंने ही समर्थन दिया, मैंने भी टिकट ले रखा था, लेकिन मैंने ही समर्थन दिया है कि भारी बहुमतों से इनको जिताया जाए। क्या कहेंगे आप
आप भी यहाँ पर निवास करते हैं। हमारी न्यू जनरेशन पूजा नेगी जी अभी खड़ी हुई है, तो उनको मौका देना चाहिए। काफी पहले बड़े अंकल लोग उठते थे, तो मैं सोचती हूँ कि अभी नई जनरेशन को भी मौका मिले कि वो कुछ नया करके दिखाए, है ना। तो हम तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे और आने वाले टाइम में ये बहुत कुछ करके भी दिखाएंगे। आप लोग भी सभी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर पूजा नेगी जी को जन समर्थन मिल रहा है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जब वोटिंग होगी जीतता कौन है। लेकिन अगर विकास कार्यों की बात करूं तो पहले इन्होंने कहा कि जो पहले यहां से निर्वाचित होकर सदस्य गए हैं उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। इस बार हम युवा को मौका देना चाहते हैं और विकास कार्यों के मुद्दे पर चुनाव लड़ना। नेगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव मैदान में है, क्या कहेंगे बीडीसी का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं रुड़की आपका धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे आगरा में यहाँ आए और हमें सपोर्ट करवाया। इतना जनता का इतना प्यार मिल रहा है। देखिए दुर्गा कॉलोनी जलालपुर और एतमाल के लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार हमें मौका दें। मैं सिविल लाइन में कार्यरत हूँ कई सालों से, मेरी जान पहचान है उच्च विभागों में, बिजली विभाग हो गए, उसके बाद आप PWD ले लीजिए और छोटे छोटे ब्लॉक के कार्य होते हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छा मेरा मतलब एक रिलेशन है। और मैं आशा जनता को मतलब ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम मिलकर साथ मिलकर बहुत ही अच्छा काम करेंगे जो आज से पहले कहीं भी नहीं हो पाया है इस क्षेत्र में। और एतमालपुर की भी जनता, एतमाल जो हमारे यहाँ पे गांव आता है वहाँ की भी जनता से मैं कहना चाहूँगा कि वो हमें सपोर्ट करे। जलालपुर से भी हम यही कहना चाहेंगे। और दुर्गा कॉलोनी जो हमारा पूरा एक मतलब हम चाहते हैं कि दुर्गा कॉलोनी से इस बार एक उम्मीदवार को हम पूरे भारी मतों में जिताएं, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग सपोर्ट करिए, उसके बाद आप काम देखिए। धन्यवाद।